हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है द फिटनेस 04। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेशियम के बारे में कि पोटेशियम क्या होता है और इसका कौन कौन से फंक्शन है, क्या रोल है हमारी बॉडी में। दोस्तों, पोटेशियम हमारी बॉडी में तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एसेंशियल मिनरल है। ये हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी बॉडी में फ्लूड को बैलेंस करने में पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, जिससे हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट बीट को रेगुलर रखने में हेल्प मिलती है। पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। दोस्तों, आजकल हाइपरटेंशन एक आम बीमारी बनती जा रही है, जो कार्डियक डिजीज का एक संकेत है। हाई सोडियम की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप एक पोटेशियम रिच डाइट फॉलो कर रहे हैं तो पोटेशियम हमारी बॉडी में एक्सेस सोडियम को बाहर निकालकर हमें हाई बीपी से बचाता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो पुअर होता है, उस समय हमारी दिमाग की नसों में ब्लड सप्लाई पूरा ना होने के कारण आपके सामने स्ट्रोक जैसी समस्या खड़ी हो सकती है। अगर आप एक पोटेशियम रिच डाइट ले रहे हैं, मतलब अगर आपके खाने में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, तो ये ब्लड फ्लो को अच्छा करके, मतलब ब्लड फ्लो को इनक्रीज करके हमें स्ट्रोक जैसी समस्या से बचाता है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट मिनरल होता है, लेकिन इस मामले में भी पोटेशियम आपकी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू वेस्ट होने वाले कैल्शियम को पोटेशियम बचाता है। गुर्दे में पथरी, ये समस्या भी आजकल आम है। पथरी का जो कॉमन मिनरल है वो होता है कैल्शियम, और पोटेशियम सिट्रेट यूरिन में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन होने के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज में पोटेशियम को K से डिनोट किया जाता है। अब बात करें कि एक दिन में एक एडल्ट पर्सन को कितना पोटेशियम लेना चाहिए, तो एक हेल्दी मेल पर्सन को एक दिन में 3400 मिलीग्राम तक पोटेशियम लेना चाहिए। वहीं फीमेल को 2600 मिलीग्राम एक दिन में पोटेशियम लेना चाहिए। दोस्तों, बॉडी में पोटेशियम के लेवल को कम होने को हाइपोकैलेमिया बोलते हैं और ज़्यादा होने को हाइपरकैलेमिया। दोनों ही कंडीशन जानलेवा हो सकती हैं, चाहे वो हाइपोकैलेमिया हो चाहे वो हाइपरकैलेमिया हो। अब बात करेंगे कि हाइपो और हाइपरकैलेमिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। हाइपोकैलेमिया में आपको मसल में क्रैम्प्स पड़ना, मसल में वीकनेस होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बीपी का कम होना और एबनॉर्मल हार्ट रेट, मतलब अरिथमिया जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हाइपरकैलेमिया की बात करें तो इसमें बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, उल्टी या उल्टी संबंध जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब बात करेंगे उन फल और सब्जियों की जिनकी मदद से हम अपने शरीर में पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। फ्रूट्स की बात करें तो केला, संतरा, कीवी, एवोकाडो, अनार, स्वीट पोटैटो और नारियल पानी। ड्राई फ्रूट्स में ड्राइड एप्रिकोट और किशमिश आप ले सकते हैं। और बात करें अगर सब्जियों की, तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जैसे पालक और ब्रोकली, साथ में टमाटर और आलू। आलू के छिलके में भी अच्छी मात्रा में पोटेशियम मौजूद होता है। सभी प्रकार की दालें और डेयरी प्रोडक्ट भी अच्छे सोर्स होते हैं पोटेशियम के। और बात करें नॉन वेजिटेरियंस की, तो नॉनवेज बहुत अच्छे सोर्स नहीं होते पोटेशियम के, लेकिन फिर भी अगर आप पोटेशियम के लिए कुछ नॉन वेजिटेरियन में से आप अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हैं तो वो है चिकन ब्रेस्ट और फिश। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।